सनम, मुझे सर नहीं आ रहा है सब बोल रहे हो। कौन चला गया? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं संजना हूँ, ये प्रकाश हैं और इनका नाम नारा है। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि बोल नहीं सकती हैं, बेजुबान हैं। इनका मेरे से संपर्क हुआ था इंस्टा पर, कल बात हुई थी इनसे। बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, मैसेज पे बोल रही थी कि मुझे आपसे मिलना है, एक बार मिल लो मुझसे। तो मैंने खुद ही इनको मैसेज किया, बोला कि आ जाओ आप मिलने। तो बताओ आप, क्या हुआ है आपके साथ? मैंने इनसे पूछा नहीं है कुछ भी अभी, अब मैंने डायरेक्ट बुला लिया है इनको। देखो रो तो पहले बिल्कुल भी रो मत, देखो रोना नहीं, हम आपकी हेल्प ही करने आए हैं यहाँ पर। बता रही थी रात में, ये गूंगी है, कुछ नहीं बोल सकती है। भगवान इनका जो नहीं होता बोलने का जो शक्ति होता है छीन चुके हैं। क्या देखो नारा, तुमने मैसेज के माध्यम से हमसे जो भी सारे चीज बताया था, हम चाहेंगे तुम एक बार इसमें बताओ, इसमें प्यार क्या बोल रहे हो? कौन चला गया? क्या मैंने किया नहीं समझ में आ रहा है मुझे। उस समय तो तुम मैसेज से बात करते थे यार, समझ में नहीं आ रहा है नायरा। नहीं समझ आ रहा है नायरा कुछ तो। ये प्यार मैंने किसी से प्यार करते हो आप, तो क्या हुआ उसके बाद? चला गया वो, क्या हुआ नायरा? एक काम करोगे नायरा बाबू एक कुछ और तरीका नहीं है बताने का? कुछ और तरीका रखे हो बताने का तो बताओ। हाँ बताओ। अच्छा लिख के बताओ ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अब कॉपी भी रखे हो? कॉपी रखी है। बताओ क्या इस तरह समझ में नहीं आ रहा हमको? परेशान देखो रोना नहीं है नायरा, तुम आई हो ना मेरे पास, भरोसा करके आई हो ना, तो रो बिल्कुल मत। नहीं बोली मैं बहुत बहुत प्यार बहुत प्यार करती। किससे प्यार करती हूँ? बहुत प्यार करती हूँ। छोड़ दिया आपको? किसने छोड़ दिया? लड़के से प्यार करते हैं, उसने अब छोड़ दिया आपको। क्या कारण है छोड़ने का? वो लिखना क्या कारण है? कारण बताओ, क्यों छोड़ दिया उसने? क्यों छोड़ दिया तुम? अच्छा क्योंकि तुम गूंगी हो इसीलिए ना? कुछ भी नहीं बताया। अरे कुछ भी नहीं बताया? हाँ कुछ भी नहीं बताया तुमसे, ऐसे ही छोड़ दिया, लड़ाई करने लगा। अच्छा लिखो नहीं समझ में आया। दोस्तों लड़ाई करी, दिखाओ तो जूम भाई, जूम करके दिखा दो कैमरा, जूम के लिख के बता रही है। इस तरह बोलिए समझ में नहीं आ रहा, तो हम लिख के तो थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि इससे सारा चीज। कितना टाइम हो गया आपको रिलेशन में उनके साथ? ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। कितना लिख कर बताओ? लिख के बताओ कितना टाइम हो? बिल्कुल सारा चीज लिख, उसके बाद हम बताते हैं सारा चीज लिख होते। अच्छा और सारा चीज कहा, क्यों परेशान करता है, क्यों छोड़ दिया है तुमको, वो सारा चीज लिख। घर वालों की वजह से? तो वो आपसे प्यार करता है नहीं करता? करता है। क्या नाम क्या है उसका? रौनक। नंबर है उसका? नंबर लिखो। बात करती हो उससे? फोन में है नंबर। अरे इस पर अच्छा लिख। दोस्तों जैसा कि इसने लिखा है नायरा, हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये किसी रौनक नाम के लड़के से प्यार करती थी, जो कि 2 साल से सब दोनों रिलेशनशिप में था। वो लड़का इसका इस्तेमाल किया, पहले तो बहुत सपने दिखाए कि हम तुमको साथ रखेंगे, तुमसे शादी करेंगे, बोला था ये सब उसने, सारा चीज लिखी है तुमको नहीं दिख रहा? हम शादी करेंगे बोला था, हमको बता दो, हमें आप बता रहे हैं सारे पब्लिक को। लेकिन अब वो इसे ना शादी करने के लिए इसका कॉल भी नहीं पिक करता है, अब बहुत गाली गलौज करता है कि तू गूंगी है, तुमसे शादी क्यों कर, मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। लेकिन इसका इज्जत तो चला गया ना, ये 2 साल रिलेशनशिप में थी, तो समाज वाले हर कोई जान चुका है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है,
अगर मान लीजिए वो अभी छोड़ जाते ये कहाँ जाएगी आप लोग बताइए। ये सारा चीज लिखी हुई है, आप लोग भी देख सकते हैं सारा चीज लिखी हुई है। बहुत प्यार करती हो। देखो बाबू रो बिल्कुल मत। अब क्या लिख रही? शादी करना चाहती हो उसे? शादी बोल रहा था शादी करने की, लेकिन अब नहीं बोल, अब नहीं कह रहा है, बात भी नहीं करता आपसे अब। यार ऐसे लोगों के साथ कहाँ ऐसा होता है यार, इसमें इसका क्या गलती है? भगवान इसको जुबान नहीं दिए थे, इसमें क्या इसका गलती है? पहले जब उस जब वो लड़का इसको सपना देखा उसी समय नहीं दिखाना चाहिए था? घर वाले भी मारते हैं तुम्हें, बोलते हैं शादी नहीं करेंगे। सुनो उसका नंबर दो, हम लोग कॉल करके उसे एक बार बात। इन्हीं के नंबर से फोन करो ना। इसका नंबर उठाएगा या नहीं उठाएगा? चलो मैं अपने नंबर से करती हूँ, नंबर लिखो। क्या काम करता है? कोई काम करता है? बहुत। लिखो क्या बोल रहे हो? अच्छा वो बिजनेसमैन का बेटा है। अच्छा तो बिजनेस के बारे में हम लोग कुछ बात करके बुलाएंगे, उस बारे में आ सकता है। ठीक है प्लान प्लान बोलेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी भैया, प्रकाश बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए भैया, आपसे दो मिनट बात करना था, कुछ डील उल के बारे में प्लान है ना। आप कंपनी ऑनर कंपनी मालिक के बेटा ना बोल रहे हैं? हाँ जी। तो मैं लोकेशन भेज रहा हूँ भैया, कुछ कुछ अर्जेंट बात है आपसे, आ सकते हैं क्या आप 5 मिनट के लिए? ओके भैया ओके, 5 मिनट ही आ जाइए। लोके हाँ भेज रहे हैं। लोकेशन देखो, रोना बिल्कुल नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं यहीं पे, ठीक है? उसे आने दो, हम लोग बात करते हैं। तब तक ये माइक तू संजना छुपा ले। A few moments later. ओ मत, कोई बात नहीं। मत रो। तू? एकदम झूठ मत बोलना। वो कौन ये बताओ तुम पहले? तो आपने आते ही ये क्यों बोला? तू जानते नहीं हो? नहीं जानता मैं। फिर तू क्यों बोला? तुम लोग कौन हो ये बताओ? हम लोग कोई भी हो नहीं तो जानते हो ना? तो मैं नहीं जानता इसे कौन है। यही है ना रोना? क्या बोल रही है ये? पता नहीं है आपको? प्यार है? नहीं पता कुछ भी। तुमने प्यार किया, तुमको पता नहीं है कि ये क्या बोल रही है? अपना काम प्यार करने वाला ना हर चीज जानता है। मेरे से बहुत लोग डेली रोज प्यार। दूर हट के बात करो पहले। दूर हट के बात करो, तमीज से पेश आओ, ठीक है? तो दूर रखो इसे मुझसे। यहाँ पे आओ, टाइम नहीं है मेरे पास बैठने का। टाइम मेरे पास नहीं है, 2 मिनट बात छोड़ो दूर चले जाते। बोलो क्या काम है? कहाँ कर रहे हो ऐसे? मैंने क्या मिलेगा तुम्हें? अरे यार इसके जैसी 36 लड़कियाँ मेरे से रोज मिलती है, रोज प्यार होता है, हर किसी से शादी वादी कर लूंगा क्या मैं? ते 2 साल पहले नहीं सोचना चाहिए तुम्हें? 2 साल क्या करने के लिए रुके थे? 2 साल से तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थे? हाँ या ना बोलना बस। तो हर किसी से शादी कर लूँ क्या मैं? बात सुनो मेरा, रिलेशनशिप किसके साथ आया था जिसके साथ शादी किया जाता है? 2 साल 1 महीना 2 महीने के बाद नहीं होता, 2 साल है। अरे यार ये फालतू की बातों का ना, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जाना है। मेरी 2 मिनट के प्यार को सच मान बैठी है। छोड़ो, हाँ छोड़ो मेरा। शादी करने का वादा किया था ना उससे? अरे मैंने इससे कोई वादा नहीं किया शादी वादी का। झूठ बोल रही है वो? झूठ बोल रही है? बोली बोली तो नहीं पाती है, सारी प्रॉब्लम तो यही है। अगर ये बोल पाती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं है? दिल है तो क्या, सबसे शादी कर लूँ क्या मैं? तुम्हें दिख नहीं रहा है वो बेजुबान है? यही तो इसकी प्रॉब्लम है, यही इसकी प्रॉब्लम है। रिलेशन में क्यों आया उसके साथ फिर? क्यों यूज किया उसे? फिर क्यों छोड़ दिया एंड मौके पर?
जब तक था मैंने उसकी बहुत केयर की है, अब नहीं हूँ ना तो कोई मैटर नहीं है मेरा उससे। क्यों नहीं हो? नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम हो गई है उससे, मुझे नहीं पसंद। क्या प्रॉब्लम हो गई? वो बदल गई है या तुम बदल गए हो? भाई तुम बड़े, हाँ छोड़ो, तुम बड़े बाप उसके घर में पूरी माँ है, उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है यार, मैं का हाई क्लास। और ये कहा प्यार करने का पहले नहीं समझना चाहिए, जब बात चल रही है मेरी फैमिली इज्जत से बात कर रहे ना, इज्जत से बात, हाथ नहीं लगा रहे ना, ये कोई भी हो ना तू जानता नहीं, दूर हट के बात, दूर हट के, कोई भी हो, कोई क्या है तू नवाब है कहीं, क्या दूर हट के बात, दूर हट के बात, दूर हट के सर नाम का नहीं है और को दिखाना जाके क्या, ठीक है यार नहीं चलेगी मेरे को, नहीं करनी शादी इससे, क्यों नहीं करनी, मेरी मर्जी, प्यार क्यों किया था, मेरी मर्जी, क्यों किया था, क्या तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, उसकी जिंदगी में तुम्हारी मर्जी चलेगी यार, तेरे को रोज होता है, हाँ मेरे को रोज होता है, सर नहीं आता है तेरे को, किसी लड़की का तू जिंदगी खराब करता है, वो लड़की जब किसी से प्यार करता है ना, करती है ना, तो सब कुछ अपना त्याग देती है उस लड़की के पीछे, उसने हर क्या किया है तू बताना, तो पूछ रहा है जब इसको जिस चीज की नीड हुई मैंने दिया इसको, अभी जिस चीज का नीड तू दे रहा है, हर जगह उसका नाम होता होगा ना, जिस चीज की नीड थी तुमने वो काम पूरा कर लिया, मैं शादी नहीं कर सकता इससे, बस मेरी फैमिली नहीं होगी एक गूंगी लड़की से शादी करने की, प्यार करने का पहले नहीं सोचना चाहिए, प्यार करने का नहीं, प्यार किया तो नहीं सोचना चाहिए उस समय, नहीं करना मुझे इससे शादी, रिलेशन में क्यों आया, मुझे क्यों आया रिलेशन में, तो मेरी मर्जी थी वो, इसकी भी मर्जी थी वो, तो इसकी मर्जी शादी कर, तुम्हारा भी मर्जी उस समय शादी करना, दोनों की मर्जी होनी चाहिए ना, तुम्हारा मर्जी उस समय था ना शादी करना, तो अभी क्या हो गया है, अभी क्या हुआ तेरे को, मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी, देखो कितना रो इसको रही पता है, सब कुछ पता है, इसको बहुत दिन से रो रही है, तो यार मैं क्या करूँ, मैं इससे शादी करके मैं रोऊं क्या फिर, क्यों रोगे तुम, मेरी फैमिली वाली पागल है, तुम्हें समझ नहीं आता है भाई, मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी यार, फैमिली से पूछ के फैमिली एग्री हो जाएगा, प्यार करने के लिए पूछा था फैमिली से, पूछा था कि चला जाऊं उसके साथ या घूम लूं या जो करना है उसके साथ कर लूं, पूछा था, पूछा था अपनी मम्मी से, पूछा था पापा से, जो आप पूछ रहे हो, यार तुमने यही सब करने के लिए बुलाया था क्या मेरे को, झूठ बोल के यहाँ पे, तुम उसके साथ 2-3 साल झूठ बोल रहे हो तो कम है, हम 5 मिनट झूठ बोलिए दोनों को मिला के, किसी की जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोला है हमने, ठीक है तुम्हारी तरह नहीं है, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, तुम पूछ लो इससे, क्या जब मेरे को पता चल गया मेरी फैमिली नहीं एग्री होगी हमारी शादी के लिए, मैंने बता दिया, 2 साल पहले एक बात बता भाई, 2 साल पहले सबको एग्री हो रहा था, अब ये तू बोल रहा था कि मेरे तेरे जैसे 36 लड़कियां की, क्यों इतने बड़े बड़े सपने दिखाया फिर उसको, वो गरीब घर की लड़कियां तो ऐसे करोगे उसके साथ, सब लोग जान गए ना, समाज का हर लोग जान गया है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, कहीं शादी नहीं उसका, कहीं नहीं होगा शादी उसका, मजाक समझ रखे होगा, रिलेशन में आना मजाक है, रिलेशनशिप किसके साथ आया जाता है, जिससे उम्मीद हो वो लड़का आगे चल के हमसे शादी करेगा, उसके साथ रिलेशनशिप में कोई आता है, अब तुम उसका मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, गूंगी है तो, गलती हो गई मुझसे ना, पर मैं शादी नहीं कर सकता इससे, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी इससे, क्या समझ रखा है यार तुमने शादी को, क्या तुमने क्या समझ रखा है, खेल समझ रखा है क्या प्यार को भी, मेरा हाई क्लास और ये कहां, तुम्हें पता है कहां से, किस झुग्गी झोपड़ियों से ये, मैं इससे शादी प्यार करते समय नहीं सोचा था, नहीं सोचा था मैंने, क्यों मैंने भी इसको हर चीज दी है, पैसे दिए, हर चीज इसकी डिमांड पूरी करी है, मैं ऐसे डेली करता हूँ हर लड़की के साथ अपने, मुझे शर्म नहीं आ रहा है सब आप बोलने में, हर घटिया है करे, सोच घटिया, तू घटिया, तेरा खानदान घटिया होगा, ठीक है ना, घट के बाद पहली बात देख, अभी बोल रही है, बोल रही है मत बोल, क्या बोल रही है, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, नहीं आएगी भाई मेरे को जब शर्म आएगी इससे शादी करूंगा मैं, बैठ बैठ बैठ, और इतनी दया आ रही है ना, तू कर ले इस लड़की से शादी, फालतू मत बोलो, क्या फालतू बोलो, तुम लोग बोलो जब से, बैठ जाओ, बैठ तुम भी बैठ, एक बात बताओ भाई, ये जो भाई ना हमारे पास हर चीज बता रही थी, उस समय हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हर चीज़ इसने लिख के हमको बताया, ये दिक्कत है, तुम्हारे खिलाफ एक भी कंप्लेन नहीं की है, क्या है ये तुमसे प्यार करती है सच्चे, तुम्हें अभी भी अपनाना चाहती है वो, क्या किया है तुमने उसके साथ फिर भी, यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मेरे पेरेंट्स मुझे घर से निकाल देंगे, मैं क्या करूंगा फिर, यार बाहर में गया था पेरेंट्स तुम्हारे, तुमने प्यार करते समय सोचा था, फिर मैं इसको कहां रखूंगा, घर में रखना, समझाओ अपने मम्मी पापा को, एग्री कराओ, अगर तुम प्यार करते होगे तो एग्री कराओगे,
वो नहीं एग्री होंगे। तुम ही ऐसे रास्ते पे छोड़ के चले जाओगे तो कौन एग्री कराएगा फिर? समझ में नहीं आ रहा इतनी देर से बोले जा रहे हैं। वो भी लड़की है ना, एक लड़की फीलिंग समझ रही है इसलिए। मैं तो बोल सकती हूँ, बोल पा रही हूँ। उसे सोचो उसको कैसा लग रहा होगा, वो बोल भी नहीं सकती है। किसी से कह रही है वो अपना दर्द? नहीं आ रहा समझ। बोलोगे आप कुछ? बोलती बंद हो गई। वही तो पूछ रहा। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर तुम लोग देखोगे क्या के? हम क्यों देखते? हमने पहले से देखा जब से प्यार कर रहे थे। जब कोई प्रॉब्लम हुई थी जब देखा हमने। अगर मैं इससे शादी करूंगा मेरे घर वालों ने निकाल के कहाँ रखूंगा मैं इसको? क्यों निकालेंगे? ऐसी लड़की ना मिलेगी भी नहीं। सच बताऊं तो तुम्हें इतना प्यार करने वाली कोई खुशियां नहीं दे पाएगी तुम्हें। इसके अलावा मैंने एक बात बता भाई, तू प्यार करते समय तू क्या देखा था उसे? प्यार ऐसे प्यार मुझे हो जाता है बस, कुछ भी हो जाता है। प्यार हो ही जाता है, प्यार किया नहीं जाता है। हाँ, प्यार हो जाता है जब तू प्यार कर लिया। तो नहीं कहावत है कि प्यार किया तो डरना क्या? जब तू प्यार किया तो डर कहाँ रहा है? तेरे घर वाले बोलते तेरे घर वाले से हम बात करेंगे। देखे प्यार नहीं होगा ना वो भी क्या? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरा ही क्या हो रहा है? कैमरा वैमरा क्यों लगा रखा है तुमने? तुम्हारी हकीकत सामने लाने के लिए डालेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है ये करने से मैं इससे शादी कर लूंगा? शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। शादी कर या ना, लेकिन उसे अपनाना तो होगा तुम्हें। अपनाओगे तुम उसे? हर इज्जत देना होगा जो तुमने उसके साथ खो दिया है, गंवा दिया है। भाई एक बार फाइनल बोल दिया मैंने, मैं इससे प्यार नहीं करता। और क्या प्यार नहीं करते हो तुम? समझ में नहीं आ रहा इतनी देर से बोल रहे हो। कितना प्यार करती है वो तुमसे? बिल्कुल पागल ही समझ लिया है। तू क्या रो रहा है भाई? अब क्यों रो रहे हो तुम? बोलोगे कुछ? मैं इससे प्यार करता हूँ मैं इससे अभी भी प्यार, पर अपने पेरेंट्स की वजह से मैं इसको, अगर इसको कुछ कर देंगे फिर मेरे को मैं क्या करूँगा? इसके बारे में तुम बताए हो पेरेंट्स को? मेरे मम्मी पापा है यार, वो नहीं मानेंगे इसलिए मैं इसको मना कर रहा था। अपने घर वालों को पहले बताए हो इस बारे में? नहीं, मुझे डर लगता है अगर मैं उनको बता दूंगा। यार तो बता के तो पहले देख, पहले बता के तो देखो यार। मुझे डर लगता है क्या बोलेंगे कि मैं लगता है इतना अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तुमको, इतना केयर करने इतना प्यार करने वाली। पहले जाके अपने फैमिली वाले से बात तो कर तू, हम भी बात करेंगे तुम्हारे साथ साथ में। तब तक तुम उसको अपना नाम तो दो यार। तुम्हारे ही सहारे जी रही है वो, तुम खुद सोचो। उसको समाज वाले हंस रहे हैं, सारा चीज बताना तुम भाई अपने घर वालों को। मैं किस लड़की, अपने माँ से तुम बताना। माँ ये जो होती ना औरत, वो लड़की की फीलिंग समझती है। माँ मैं एक बार बता कर देखो, माँ से तुमने बोलना है। अगर माँ तुम्हारे वहाँ पे ना नू कुछ भी बोलेगी तुमसे बताना है। माँ से तुम बोलना कि माँ मैं किसी लड़की के साथ 2 साल रिलेशनशिप में था, अब मैं उसको छोड़ दिया, उसको उसके साथ धोखा दे दिया हूँ, क्या गलत है या सही है? तुमने माँ से इतना बात पूछना, तब तो उसको साथ ले जा भाई। तुम लोग साथ दोगे मेरा? एकदम बिल्कुल साथ देंगे। सही, आप तो साथ दो पर उसका। तो पहले तुम अपने माँ से जाके सारी बात पूछना। क्या पूछोगे? मैं एक लड़की के साथ 2 साल से रिलेशन में था, अब मैंने उसको छोड़ दिया है, कि मैंने सही किया या गलत किया? इतना पूछ। तुम प्यार करते हो ना उससे? हाँ मैं करता हूँ। तो उसे ले जाओ, तब तक अपने साथ रखो उसे, अपना उसने उसको अपना नाम दो। बहुत बेचारी रो रही है, कुछ बोल नहीं पाती है यार। हम बोल रहे थे हम इतना दुखी हैं, तो सोचो वो कितना दुखी होगी। इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? यार मैं नहीं हूँ, बस मेरे को उसकी टेंशन होती है। कहीं घर वाले मेरे डैडी थोड़े बहुत गुस्से वाले हैं, कुछ करना दे इसलिए बस नहीं। मतलब प्यार करते हो आज भी? हाँ मैं प्यार करता हूँ इससे भी। चलो तो अच्छी बात है, बात करो। लेकिन बात करो, हम भी तुम्हारे फैमिली को सपोर्ट करेंगे। रो मत नहीं, कोई बात, रो मत। रो नहीं ना, रहा कोई बात नहीं, बस हम लोग यही चाहते हैं। पैर में लग गई है उनके, आपने गिराया था। ओहो